नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के सरकारी शराबबंदी को लेकर, जिसमें कि हाईटेक होगी बिहार पुलिस और शराबबंदी को लेकर सरकार कर रही है क्या तैयारी। बिहार सरकार अब शराबबंदी को लेकर और भी कड़े कानून लाने वाली है। बिहार सरकार करोड़ों रुपये की लागत से होने वाली खरीद में कई अत्याधुनिक उपकरण की भी खरीद होगी। बता दें कि इस बार पहली बार होगा जब पुलिस के लिए ड्रोन की भी खरीद होने वाली है। वहीं FSL के लिए आवाज़ और वीडियो विश्लेषण करने में मददगार अत्याधुनिक सिस्टम की भी खरीद किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन साजो सामान की खरीद पर खर्च होने वाली राशि की भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने को लेकर कई बड़े और अहम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस पहली बार ड्रोन की खरीद करने वाली है। फिलहाल 18 हल्के ड्रोन की खरीद होगी। STF और मद्य निषेध को ये ड्रोन मिलेंगे। ड्रोन में शक्तिशाली कैमरे लगे होंगे, जिससे कि न सिर्फ निगरानी की जा सकेगी बल्कि यह उस जगह का भी वीडियो देखा जा सकेगा जहां ड्रोन उड़ रहा होगा। दूर दराज के इलाके में शराब निर्माण पर नज़र रखने के लिए यह पुलिस मद्य निषेध इकाई को दिया जाएगा। वहीं STF नक्सल प्रभावित इलाकों और दियारा में नक्सलियों और अत्याधुनिक गुटों को लोकेशन को ट्रेस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार सरकार पुलिस के अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL के लिए भी हाईटेक सिस्टम की खरीद करने वाली है। FSL के वॉइस और वीडियो एनालिसिस सिस्टम दिया जाएगा। वैसे तो FSL के पास यह सब मशीन पहले से ही मौजूद है, लेकिन पुराना हो चुका है। पहले के मुकाबले इसकी तकनीक बेहतर हुई है, लिहाजा नए वॉइस और वीडियो एनालिसिस सिस्टम पर काम करने में वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपकरण की मदद से आवाज़ के नमूनों को मिलान में भी और वीडियो की जांच करने में भी उन्हें जो है सहूलियत होगी, आसानी मिलेगी। वीडियो की जांच कर देखा जा सकता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। 26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जिला पुलिस के लिए भी कई साजो सामान की खरीद होनी है। इसमें वॉइस लॉन्गर के अलावा ड्रोर फ्रेम, हेड और डीप सर्च मेटल डिटेक्टर शामिल है। वहीं ATS और STF के लिए एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर की भी खरीद की जाएगी। बता दें कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार सरकार पंचायतों में भी CCTV कैमरे लगाने की बात कर रही है, जिससे कि यह पता चल सके कि शराब का उत्पादन हो कहां रहा है और शराब कहां से कहां खपाया जा रहा है। बता दें कि शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत जानने के लिए भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। बिहार सरकार अब बॉर्डर इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने की बात कर रही है, जिससे कि यह पता चल सके कि शराब आ कहां से रहा है और बिहार में इसका खपत हो का रहा है। खास करके अगर हम बात कर लें बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों का, तो सबसे ज़्यादा जो शराब के मामले जो निकल कर सामने आए हैं और पुलिस जहाँ अधिक मात्रा में शराब पकड़ रही है वो बॉर्डर वाले इलाके हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार अब ड्रोन के माध्यम से यह देखने की कोशिश करेगी या फिर यह पड़ताल करेगी कि आखिर कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से शराब को लाया जा रहा है। दूसरी जो अहम सबसे अहम चीज़ जो ये है कि ड्रोन कैमरे से इस बात का भी पड़ताल हो पाएगा कि शराब का उत्पादन प्रदेश के अंदर किन जगहों पे किया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग ने एक नंबर भी जारी कर रखा है, जिससे कि आम आदमी जो है यह बता सके सरकार को यहाँ पे शराब बन रहा है या फिर यहाँ से शराब की जो है बिक्री की जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।